देखिए मंगल को राजनीतिक दंगल दर्श न्यूज के साथ। जय किसान, चलो जय किसान, जय हिंद। कुछ लोगों ने इस नकली एग्जिट पोल के नाम पर करोड़ों अरबों कमा लिए होंगे कि अगर संभावना कहीं दिखी, आहट भी दिखी, तो प्रतिकार इस बार 20 वाला नहीं होगा कि पोस्टल बैलेट की गिनती हो, उस गिनती का समायोजन। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए 4 जून को लोकसभा चुनाव को लेकर के नतीजे सामने आने वाले हैं, लेकिन इसके पहले तमाम न्यूज चैनल्स के जरिए जो एग्जिट पोल है वो बड़े ही जोर शोर से दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही बता दें कि अब एग्जिट पोल को लेकर के बयानबाजी राजनीतिक नेताओं की ओर से होने लगी है। जी हां, बता दें कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एग्जिट पोल को लेकर के बड़ी बात कह दी है। बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जिसमें मनोज झा ने साफ तौर पर एग्जिट पोल को खर्चों का एग्जिट पोल बता दिया है। इसके साथ ही इसे साफ तौर पर सक्सेस से ज्यादा फेलियर बता डाला है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और आखिर क्या कुछ मनोज झा ने कहा, आप पहले खुद सुन लीजिए। साथियों, बीते 1 तारीख से हमने खर्च का तमाशा देखा है, जिसे लोग एग्जिट पोल के नाम से जानते हैं। एग्जिट पोल आप सब मुझसे ज्यादा बिहार को जानते हैं। बिहार में ये एग्जिट पोल सक्सेस से ज्यादा फेलियर हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा एग्जिट पोल करने वालों का, इसलिए कि बड़ा पैसा लगता है, पीएमओ तक दिलचस्पी लेता है, दिलचस्पी ही क्यों लेता है, पैसे से भी मदद करता है, और जाहिर है खर्च का ये उत्सव अगर किसी ने तय किया है तो उसको मुबारक, क्योंकि इससे बाजार भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने इस नकली एग्जिट पोल के नाम पर करोड़ों अरबों कमा लिए होंगे, उनकी कमाई से हमारा कोई विरोध नहीं है, प्रसन्न रहिए। 4 जून की दोपहर 12 बजे तक आपको प्रसन्न रहने का अधिकार है, आप प्रसन्न रहिए। आज हम सब कल दिल्ली में, आज हम सब चुनाव आयोग के पास गए थे। हमने चुनाव आयोग से ये दरखास्त की है और वो दरखास्त साक्ष्य के आधार पर की है कि पोस्टल बैलेट को लेकर के हमें 2020 वाले फरेब की अगर संभावना कहीं दिखी, आहट भी दिखी, तो प्रतिकार इस बार 20 वाला नहीं होगा, प्रतिकार उसी अंदाज में होगा और ऐसा होगा जिसके पीछे बिहार की जनता खड़ी होगी हमारे साथ, क्योंकि पोस्टल बैलेट बड़ी संख्या में आया है और आप सब जानते हैं पोस्टल बैलेट किनका होता है। वो उनका होता है जो बदलाव महसूस कर पाते हैं या बदलाव चाहते हैं। आपने 2020 की विधानसभा में देखा था पोस्टल बैलेट का, और कैसे, मैं बार बार कह रहा हूं कि स्मरण रहे, पूरे देश में शक्ति सिंह यादव उदाहरण बन गए थे कि कैसे बेईमानी से हराया जाता है। जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा गया था कि बैठे रहिए, और बाद में घाल मेल करके, तो हमने सख्त बात कर दी कि पोस्टल बैलेट की गिनती हो, उस गिनती का समायोजन, और उसके बारे में नानुकुर वाली टेंडेंसी नहीं चलेगी। हर चरण की मतगणना के बाद जब तक वो सारे कैंडिडेट को सेटिस्फाई ना कर पाए, अब मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, हर चरण की, मान लीजिए किसी क्षेत्र में 22 राउंड होना, 1 राउंड मतगणना हुई, सारे कैंडिडेट के आंकड़े जब तक अपलोड ना हो जाए, सबकी संतुष्टि से ना हो जाए, तब तक दूसरे चरण की मतगणना में प्रवेश नहीं करना। फिर दूसरा चरण हो जाए और उसी प्रक्रिया के अधीन हो, तो फिर तीसरे चरण में जाना। कहीं भी 17C फॉर्म आप सब जानते हैं, कई कैंडिडेट्स को 17C फॉर्म नहीं दिया गया, ये बात हमने चुनाव आयोग में भी कही कि नहीं दिया गया 17C। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि उस बूथ पर चुनाव की समाप्ति के पश्चात
कितने वोट पड़े और उस पर सबके हस्ताक्षर होते हैं, उससे ज्यादा प्रामाणिक कुछ भी नहीं होता। अगर वो प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है हजारों बूथों पर, तो जब मतगणना शुरू हो स्ट्रांग रूम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को बाहर लाया जाए, या तो आप उसकी तस्वीर खींचने की इजाजत दीजिए, या उस वक्त आप वो फॉर्म प्रपत्र मुहैया कराइए कि बूथ नंबर एक पर 883 वोट गिरे, शाम 6:30 सबके हस्ताक्षर हो, वो कॉपी आप फोटोकॉपी उसकी उपलब्ध कराइए। उसकी क्यों आवश्यकता होगी? उसकी आवश्यकता इसलिए होगी कि जब डिस्प्ले होगा रिजल्ट का, तो अगर आप देखें कि बूथ पर 883 वोट गिरे लेकिन ईवीएम में 918 वोट आ रहा है, तो ये त्रुटि है, ये विसंगति है। इस विसंगति को दूर करने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। तो आपने मनोज झा का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर के कटाक्ष तो किया ही, इसके साथ ही 2020 के विधानसभा चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ ही साफ तौर पर पोस्टल बैलेट को लेकर के कह दिया है कि इस बार अगर किसी भी तरह की धोखाधड़ी हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मनोज झा ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेतावनी दे दी है। हालांकि यह तो देखने वाली बात होगी कि आखिर 4 जून को किस तरह के नतीजे सामने आते हैं, और नतीजे सामने आने के बाद आखिर तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से आखिर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती है, और उन सारे खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। अगर आपने भी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले।